जिला मुख्यालय नाहन के साथ लगती शैन की शेर पंचायत के तालो गांव में गेहूं की फसल आग लगने से तबाह हो गई है। जानकारी के अनुसार संदीप ठाकुर के करीब 5 बीघा खेत में खड़ी गेहूं जलकर खाक हो गई। देर शाम से चल रहे भारी तूफान से जहां धूल भरी आंधियां चल रही थी, वहीं इस खेत के पास से गुजर रही बिजली की तारों में आपस में टकराने से चिंगारी खेत में जा गिरी, जिसके बाद खेत में लगी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खेतों को जलता देख गांव के लोग मौके पर पहुंचे, हालांकि अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई थी, मगर कुछ ही मिनट में पकी हुई गेहूं। गांव के निवासी धर्मवीर सिंह ने बताया कि किसान की फसल पूरे साल भर का गुजारा होती है। पूरी फसल तबाह होने से संदीप कुमार को जहां आर्थिक नुकसान हुआ है, तो वहीं रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि संदीप कुमार को करीब 35 से 40 हजार का नुकसान हुआ है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।